हेलो दोस्तों, तो आज और इस वीडियो में आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू करके बताऊंगा जो कि जेब्रोनिक्स की तरफ से एक RGB स्पीकर आता है। तो अगर आपको भी ये रिव्यू देखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस स्पीकर में आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम कंट्रोलर, एक यहाँ पे आपको 3.5 mm का एक ऑडियो जैक देखने के लिए मिलेगा, एक माइक्रोफोन का जैक देखने के लिए मिलेगा और ये वॉल्यूम कंट्रोलर है। इससे आप ये जो स्पीकर है इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे पूरा का पूरा कर देंगे तो ये वाला स्पीकर ऑफ हो जाएगा, और इसको ऑन करना है तो यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हैं और इससे आप वॉल्यूम जितना ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे में आपको यहाँ पे स्टैंड देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको रबर के साथ देखने के लिए मिलेगा ताकि ये टेबल पे अच्छे से फिट हो जाए। आपको दोनों साइड में देखने के लिए मिल जाएगा ये चीज़, यहाँ पे भी रबर का एक है यहाँ पे भी। और इस स्पीकर को आप एक साउंड बार की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लंबा में साउंड बार चाहिए तो साउंड बार की तरह भी रख सकते हैं। अगर नहीं आपको ये चाहिए कि दोनों अलग अलग हो जाए तो आप इसको ऐसे डिटैच भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको अटैच करना तो सिंपल आपको इसको ऐसे यहाँ पे प्लग कर देना है तो ये पूरा का पूरा एक साउंड बार में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्पीकर में आपको यहाँ पे जेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा क्लीन है। और यहाँ पे स्टैंड भी आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपको साउंड बार में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये जो सेकेंड स्पीकर में यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको एक वॉल्यूम कंट्रोलर और ये दोनों पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। एक में आप माइक्रोफोन लगा के आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और दूसरे में आप 3.5 mm का जो भी आपके पास हेडफोन है, ईयरफोन है, वो लगा सकते हैं। जब भी आप ईयरफोन को यहाँ पे प्लग करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा स्पीकर है उससे आउटपुट आना बंद हो जाएगा और जितना भी आउटपुट आएगा वो सीधे सीधे आपके ईयरफोन में या फिर हेडफोन में आएगा। इसका जो RGB का लाइट है अपने आप ही ग्लो होते रहेगा। इसमें आपको कोई सा भी सेटिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई सा भी आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिलेगा जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपने आप ही ब्रीद होते रहता है, अलग अलग कलर का इसमें दिया गया है, ये अपने आप ही ब्रीद होते रहता है, इसको आप कहीं से भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको ऑडियो क्वालिटी एक बार तो अभी आप लोगों ने देखा कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। तो इसका ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक ही है। तो जैसे इसका प्राइस रेंज है, आपको ये 900 में फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कभी भी सेल रहेगा तो ये आपको 750-800 में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाला परचेज नहीं करना तो इसे एक छोटा भी आता है इसमें, जिसमें आपको ये दो फीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे में जो माइक्रोफोन का दोनों जैक देखने के लिए इसमें मिल रहा है उसमें आपको नहीं मिलेगा, और इसमें जो आप साउंड बार में इसको कन्वर्ट कर पाए नहीं आप कन्वर्ट कर पाएंगे। दोनों में आपको सेम टू सेम आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आपको 10 वाट का आउटपुट है, उसमें भी 10 वाट का, दोनों 5-5 वाट का स्पीकर इसमें लगाया हुआ है। तो फाइनल बात की ये वाला स्पीकर आप लोगों को लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये वाला स्पीकर ठीक रहेगा आपके बजट के अंदर। 1000 के अंदर में आपको RGB का लाइट देखने के लिए मिलेगा, आपको फ्रंट साइड में माइक्रोफोन और 3.5 mm का आपको जैक भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप ईयरफोन या फिर हेडफोन आप डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो, ये वाला रिव्यू आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाता रहूं। तो मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।